सीनियर और बाहरी छात्रों की मारपीट से तंग आकर ग्वालियर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जूनियर छात्रों ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी की तालाबंदी कर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही रेस कोर्स रोड पर चक्का जाम भी किया। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का आरोप है कि 6 महीने से लगातार हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी महाविद्यालय प्रबंधन और जिला प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, जबकि हॉस्टल में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है और शिकायत करने पर हमारे साथ मारपीट की जाती है। बुधवार रात भी सीनियर और बाहरी छात्रों ने हमारे साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना पुलिस को दी है, लेकिन जब पुलिस कॉलेज पहुंची तो पुलिस को सुरक्षा कर्मियों ने अंदर नहीं आने दिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया यूनिवर्सिटी के डीन जेपी दीक्षित का हॉस्टलर्स छात्रों के हंगामे और प्रदर्शन को लेकर गोलमोल जवाब देते हुए अपनी अनभिज्ञता जताई। कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद चक्का जाम मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना गोले का मंदिर। पुलिस का भी यही कहना है कि देर रात हॉस्टल के छात्रों में मारपीट की सूचना मिली थी। जब पुलिस कॉलेज पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। देखो, इस बारे में ये जो स्पॉट के आदमी है, वार्डन है, अभी बताएंगे आपको, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कोई माझी नाम का लड़का है जिसका कोई पेपर छूट गया था, देने आया था, वो किसी दोस्त के यहाँ रुका था। लेकिन क्या है कि हो सकता है एक आपसी गलतफहमी होती हो जाए कि ये नया लड़का कहाँ से आ गया, ये भी एडमिशन के लिए आ गया क्या, जबकि हमारे वार्डन बता रहे हैं कि मुझे सच्चाई नहीं मालूम अभी भी, लेकिन वार्डन ने जो हमें बताया वो ये बताया कि वो पेपर देने आया था। इसके लिए इसके लिए भी वार्डन ने ये बताया कि जो सुरक्षा अधिकारी है वो 10 बजे करीबन गेट बंद करा देते हैं और वो कहते हैं जब भी पुलिस या कोई भी अंदर आए तो हमसे पूछें, तो पुलिस आई होगी। विद्यार्थियों ने पुलिस को नहीं रोका है, लेकिन वो गार्ड ने ताला डाला होगा कि हम अपने साहब से पूछ ले फिर बताते हैं, तब तक शायद थोड़ा जल्दी में रही होगी पुलिस और जाना होगा तो वो चली गई होगी। इसके बाद मारपीट हो सकती है, इसके पुलिस नहीं, अब वो सिक्योरिटी वाला वही बताएगा, वो सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी का जो प्रभारी है अगर उसकी सच्चाई क्या है। आज चूँकि 4 बजे तक सुबह तक मैं हॉस्टल में ही था तो मैं इसकी जानकारी ले नहीं पाया, लेकिन जब जानकारी हो जाएगी तो शायद मैं सच्चाई से बता पाऊँगा। अभी आपके आपसे टीआई साहब ने भी बताया है कि रात में उनको प्रवेश नहीं मिला एफआरबीआई की, नहीं तो उसकी क्यों नहीं मिला इसकी बारे में तो मैं जानकारी लेके ही बता पाऊंगा ना। नहीं, जैसे आप हॉस्टल में रहे तब आपको जानकारी नहीं थी रात में? नहीं, लड़के चूंकि वहाँ थे नहीं, लड़के निकल गए थे तो हम लोग तो बैठे रहे, तो हमने पूछा क्या बात है, तो बोले सर हम नहीं, लेकिन हमको इनने बताया बार्डन ने कि सर वो सिक्योरिटी वाले ने इसलिए रोका क्योंकि ये कह दिया गया है कि जब सिक्योरिटी का इंचार्ज बोलेगा तो आप अंदर आना। बाहर के छात्र आते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन है? को उधर मचाते हैं, अंदर हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन है? नहीं, इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से ये निश्चित है कि एक निश्चित समय पर ताला बंद कर दिया जाए, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पुलिस को रोका जाए। सर, ये एक बात सामने आई है कि कल रात में आपको इवेंट मिला था, उसके बाद कॉलेज का गेट नहीं खोला, क्या ये बात सही है? हम यहाँ पर क्या है, कोई लड़के एक दो हैं जो, कितने बजे की घटना ये? अब रात को 12:30 बजे मिला है इवेंट, कि कोई लड़कों में झगड़ा झगड़ा पी के दारू पी के हो रहा है, ऐसा कुछ था। तो पुलिस की पार्टी यहाँ आई थी, गाड़ी भी आई थी, लेकिन चूँकि अंदर प्रवेश नहीं उनको दिया। क्यों नहीं हो पाया? बोले जब तक हमारे कोई यहाँ के अधिकारी नहीं होंगे तब तक हम नहीं अंदर जाने देंगे। हाँ नहीं, यहाँ ताला डलता है गेट में, मेन गेट पे जहाँ इनकी सिक्योरिटी रहती है। और दूसरा क्या है कि लड़कों में विवाद कोई वैसा नहीं है, इनका कोई लड़का परीक्षा देने आया तो वो किसी कारण से कल नहीं हो पाया पेपर, तो वो कहीं किसी इनके साथी के द्वारा रोका होगा। अब लड़कों में चूँकि प्रचलन है जो शराबरा पीने की कुछ ऐसी शोहरत मिल रही कि जो पढ़ रहे हैं वो शराब भी पी रहे हैं, तो इस अब इनकी मांग के बारे में तो इनका विद्यालय प्रशासन ही बता पाएगा। लेकिन आपको कॉलेज में घुसने नहीं दिया, ये बात सही है? नहीं, रात को नहीं घुसने दिया, अभी नहीं, रात को जब हमारी इवेंट मिला है तो गाड़ी एफआरबी आई तो उसको अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, ये बात सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय है। क्या, किसको? हम लोग MSc में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ MSc का, और यहाँ क्या हो रहा है कि पिछले कुछ 6 महीने से लगातार हम लोगों के साथ बाहरी लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है, और बाहरी लोगों में कोई नहीं है, जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, छात्रावासों में रहते थे, आए दिन मारपीट करते हैं। पूर्व में जयदीप भदौरिया उनके साथियों द्वारा की गई थी, अब रात में कल विक्रम तोमर द्वारा मारपीट की गई है हम छात्रों के साथ में। 25 ये लोग क्या है, यहाँ वर्चस्व बनाना चाहते हैं, हॉस्टल में फर्जी रहना चाहते हैं, और होता ये है कि हम लोग अगर छात्र को पकड़ के कभी मार देते हैं, 250 लोग रहते हैं, तो छात्रों पर FIR उल्टी पटवा देते हैं और नहीं पटती है, और अगर ये लोग मार के चले जाते हैं तो हमें नाम को तो पता नहीं, सब अज्ञात रहता है। हम
हम लोग बहुत परेशान हैं। हम 6 महीने से लेके जिला प्रशासन कलेक्टर से लेके और अधिष्ठातम होते सबको लिख के दे चुके हैं, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। मारपीट नहीं हुई कल, ये लोग दारू पी के आए, इन्हें गुंडागर्दी की। जब छात्रों ने इनका विरोध किया तो ये 30 लोग लठ लेके आए, फिर जब सब छात्र अंदर से निकले तब ये भगे। हमने पुलिस को भी कॉल लगाया था 100 डायल पे, वो आई थी, चूँकि महाविद्यालय प्रशासन का एक डियत करके नहीं है। ये था विक्रम प्रताप सिंह तोमर था, नीरज मांझी था, नीरज पटेल। इनने कल रात में हॉस्टल में दारू पी है 10-15 लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ। ये पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं, और ये सब व्यापम के फर्जी हैं और इन पर जांच बैठनी चाहिए। ये लोग 6-6, 7-7, 10-10 साल से यहाँ डले हैं, इन पर टोटल जांच बैठनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल भव्य संदर्भ में लटका हुआ है। हम लोग अभी हम लोग सड़क पे बैठे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, और हम पे भाई आ रहे फर्जी, ये लोग दबा चुके हैं। हम सड़क पे, हम सब छात्र सड़क पे आए, किसके पास जाएँ? मांगे है कि यहाँ रेजिडेंशियल पीरियड क्लियर हो हॉस्टलों का, जितने दिन ये लोग हॉस्टल में रहते हैं 4 साल का क्लियर हो, 4 साल तक रहें, 2 साल का तक रहें, 3 साल तक इनको भगाया जाए, और जो ब्लैकलिस्टेड छात्र हैं उनको बाहर किया जाए, और हम जो पढ़ने वाले छात्रों के साथ जो गलत होता है उसका न्याय हो, हम बस यही मांग रखते हैं। कॉलेज का ताला बंद है हमारे पास, तालाबंदी की है। हाँ, तालाबंदी आज हुई है, छात्रों ने की है, और इसके बाद यहाँ अधिष्ठातम होता है। हम 9:30 से बैठे हैं ना, तो हम सब हॉस्टलर हैं, हॉस्टल में ये लोग रहना चाहते हैं। और जी जब रहते थे पूर्व में, मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ जितने फरारी आते थे मुरैना से भिंड से सब हॉस्टलों में सोते थे। इस का हमने छात्रों ने विरोध किया, उसकी ये हम लोगों को सजा मिल रही है, हम लोगों के साथ मारपीट हो रही है। यहाँ व्यापम फर्जीवाड़ा खुलना चाहिए, जिससे यहाँ इन पर ये न्याय हो, हम सब छात्रों के साथ पढ़ने वालों के साथ।